तो अगर तुम माइनक्राफ्ट बड़े लंबे समय से खेलते आ रहे हो तो तुम्हें वन ब्लॉक मैप के बारे में तो जरूर पता होगा, जिसमें कि हम एक फ्लोर पे खड़े रहते हैं और उसे माइनिंग करते हैं, वहाँ पे दूसरा ब्लॉक आ जाता है और ऐसे ही करते करते हमें बहुत बड़ा एरिया बनाना पड़ता है। और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 इन वन ब्लॉक, वो भी इन हार्डकोर मोड। लेकिन रुको जरा, अब तुम सोचते होंगे ये तो बड़ा आसान है ना कि एक ब्लॉक पे खड़े रह के माइनिंग करना और वहाँ से तुम्हें सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे भाई पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती स्टार्टिंग में, क्योंकि हम तीन लोग स्पॉन होंगे और तीनों के लिए एक ब्लॉक बहुत ज्यादा कम है। और इस वाले वन ब्लॉक में कुछ चीज अपडेट भी हुई है, जैसे कि 100-200 ब्लॉक माइन करने यहाँ पे मॉन्स्टर पार्टी होती है और उन मॉन्स्टर का खाना हम होते हैं, तो हमें उनसे ही बचना होता है। और अब बारी आती है अपना कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने की। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर होता है विस्क्राफ्ट, जो कि यहाँ का मेन बिल्डर है। हमारा दूसरा कैरेक्टर होता है जैक, जो कि यहाँ का माइनर है। और तीसरा कैरेक्टर होता है डेडजिला, यानी कि मैं बेसिकली फाइटर हूँ और कभी कभी मैं मजदूरी भी कर लेता हूँ। और इस वाले वर्ल्ड में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे कि हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपने आपको सर्वाइव रखना, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा सा घर बनाना, हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है एंडर ड्रैगन को मारना और विदर को मारना। तो क्या हम ये सब कर सकते हैं? उसे देखने के लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और यार प्लीज यार, इस वाली वीडियो को बनाने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगा है, पता ही हमारे अब तक की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है। और अब तक तुमने मुझे डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज यार कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, सच में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तुम खुद जाके चेक कर सकते हो। और पहले दिन हम तीनों स्पॉन हुए एक ब्लॉक पर, जिसमें भाई पैर रखने की जगह नहीं थी। और हम तीनों भाई एक साथ स्पॉन नहीं हुए थे, हम एक एक करके आए थे। पहले मैं आया था, फिर विश आया था, फिर जैक आया था। और मेरा यकीन मानो कि हमने भाई ये वाला वर्ल्ड दो बार रीलोड कराया, मतलब पहले मैं आ गया था तो फिर विश गिर गया था, फिर विश आ गया तो मैं गिर गया था। और बस ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था और उसमें भाई हम तीनों साथ खड़े रहे थे और यहाँ पे हमें दो डेड ब्लॉक मिल गई थी। तो मैंने सोचा भाई इसके साथ साथ इसे बड़ा करते रहते हैं, नहीं तो हम गिर जाएंगे। और यहाँ पे फिर हमें आगे चल के एक चेस्ट मिल गई थी, जिसमें हमें एक सैपलिंग मिल गया था और एक सेब मिल गया था, जो कि मैं खा गया था, क्योंकि भाई खाना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था यहाँ पर। चल चल चल, तोड़ 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 ठीक है। और बस पहले दिन हमने अपना बस एरिया बड़ा करा था और अपने बेसिक टूल्स बनाए थे ताकि हम पेड़ वगैरह को काट सके। वाटर बकेट मिल गया, अभी ये मत करियो, ठीक है। और वाटर बकेट मिलने के बाद हमें बस एक चीज करनी थी, जो कि इसके नीचे डर्ट लगानी, क्योंकि भाई सैंड आती है तो नीचे फिसल जाती है। तो हमने सोचा भाई पानी डाल के नीचे जाते हैं और नीचे ब्लॉक लगा देते हैं, और हर बार खतरों खिलाड़ी मुझे बना देते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे विश भी आ रहा था पर हाँ, फिर मैंने लगा दिया था। और फिर मैंने उन तीनों के लिए भाई तलवार बना दी, ताकि भाई अगर रात को अगर मॉन्स्टर वगैरह आ गए तो हमसे लड़ सकते हैं। ये ले जैक, और ये क्या नाम है तेरा, विश गुला, ये तलवार ले, ले दी ठीक है, चलो मुझे करने दो माइंड, मुझे करने दो माइंड। और अब तुम सोच रहे होगे कितना अच्छा बच्चा है कि वो अपनी दोस्त की मदद करवा रहा है, पर यार नहीं, हम तीनों में रेस लगी थी कौन सबसे ज्यादा ब्लॉक तोड़े, और बस हम ब्लॉक तोड़ने में लग रहे थे। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है बिनोमो, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। बिनोमो की खास बात यह है कि iOS और एंड्रॉइड दोनों में, और ये बिल्कुल एक लीगल ऐप है। बिनोमो पर आप मल्टी एसेट जैसे गूगल और गोल्ड, यहाँ तक कि तुम मल्टी करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि USD और EUR, और इसमें 90% तक की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है, जैसे कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये वाला एसेट बढ़ेगा, तो मैं इस पे 3500 रुपए लगाकर अप पर इन्वेस्ट करता हूँ, और ये ऊपर जा रहा है और जा रहा है, और ये देखो मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही गया। पर अगर आपका फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और आपके पैसे आपको पेटीएम या बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, और मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर 350 रुपए, पर अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 350 रुपए 700 में बदल जाएंगे और 1000 रुपए 2000 में बदल जाएंगे। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाके डाउनलोड करोगे तो आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा, जिसमें 65,000 का अकाउंट मिलेगा। भारत में 2 मिलियन बिनोमिस्टर क्या उनमें से आप एक हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और जाके डाउनलोड करो। ओए पागल है क्या? किसने? तूने? मैं बिल्कुल भाई एक ब्लॉक से बच के आया हूँ। ये वो पीक पीक इधर 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 बुलाओ। फैंस 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 नहीं 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 फैंस नहीं फैंस नहीं, से ब्लॉक से कवर करते हैं। और फिर हमारी दुनिया में आया एक चमकता धमकता पिंक सुअर, जो कि मुझे नहीं पता पिंक होते भी है नहीं, क्योंकि हमारे गांव के सुअर तो भाई नाले में लौट के आते हैं, भाई काले लगते हैं पूरे। और बस रात होती यहाँ पे एक गाय स्पॉन हो गई थी, जिसे मैं हटा ही रहा था, बस गलती से मेरा हाथ लग गया था, वो एकदम से वॉइड में गिर गई, पता नहीं क्या दिक्कत थी इसे, वो अलग बात है कि मैंने इसे मार दिया था इसलिए भागी थी वो। और यहाँ पे एक सिप भी स्पॉन हो गई थी, और कुछ देर बाद यहाँ पे एक चिकन भी स्पॉन हो गई थी, पर अफसोस की बात है वो ज्यादा देर बच नहीं पाई, वो मर गई थी। अच्छा मशरूम का विशाल नहीं है ये, मशरूम का विशाल कैसे झुक के खड़ा है। और यहाँ पे आ चुकी थी हमारे पास मशरूम को, मतलब खाने पीने की टेंशन तो लेने की जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि हमें खाने पीने की दवाई सारी चीजें उससे मिल सकती है। अबे सारे में धक्का दे रही है भाई, ओ ज़ॉम्बी 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 रोटन फ्लैश मिलेगा ना सर, तो मार दिया मुझे। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं गया यार, मैं जाता भी मेरा एक हेड हो जाता, हर एक हेड मैं हूं यार। ये बीट बीट भी सड़ा हुआ निकला।
एक तो हमारे पास पहले से दो सीट है, ऊपर से उसमें से एक सीट खराब निकल गया यार, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। और उसके बाद मैंने अपनी एक स्टोन की सोर्ड बनाई ताकि हम भाई ज़ॉम्बीज़ वगैरह से लड़ सके। और उसके बाद मैं चला गया आगे की तरफ ताकि भाई प्लेटफॉर्म बना सकूं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे स्केलेटन वगैरह जिन्हें हम मार के बोनव्हील वगैरह बना सकते हैं। तुम दिमाग देख रहे हो मेरा भाई, मैंने आइंस्टाइन को फिल कर रखा है यार माइनक्राफ्ट में। और यहाँ पे विश ने भाई भैंस का तबेला बना दिया था, जो कि सबसे बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि जहाँ पे हम माइन कर रहे थे इसने उसके साइड में तबेला बना दिया। क्योंकि अब यहाँ पर क्रीपर वगैरह स्पॉन होंगे तो क्रीपर फटेगा तो भाई ये आसपास का एरिया ही फटेगा ना। एक मिनट, इन्हें जानवरों को भाई यहाँ से निकालो यार, यहाँ खतरा है, गिरी पर फटते रहेंगे। लकड़ी नहीं है भाई, पत्थर से कर ले, लकड़ी नहीं है। और रात होते यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भाई आ चुके थे, जो कि मुझे नहीं मार रहे थे, ये जैक के पीछे पड़ रहे थे, क्योंकि जैक ही माइन कर रहा था, उनका एआई जैक पे सेट था। और यहाँ पर यार मुझे यहाँ पे दो तीन आयरन मिल गए थे, जो कि मुझे नहीं पता किसने रखे थे, पर हाँ मैंने ले लिए ताकि हम अपनी सोर्ड बना सके आयरन की। विशाल भाई स्टोन पे कैश दियो, अभी ले रहा हूँ। मेरे पास चेस्ट बहुत हो रही है, चेस्ट के लिए एक अलग जगह बनाते हैं। इनको मार देना साथ में, चेस्ट को थोड़ा अलग रखो, चेस्ट को थोड़ा अलग रखो, क्योंकि वहाँ पे क्रीपर फटेगा तो चेस्ट भी फटेगी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, जैसे क्रीपर फटेगा तो चेस्ट वगैरह सब फटेंगी। और बस मैंने ये जल्दी से ये हटाया, और जैसे ही मैंने ये हटाते एकदम क्रीपर फट गया। अबे तेरी मां का, क्या हो गया, इतनी ले गया क्रीपर, फट गया यहां पे खाने का भाई। क्या मैं बारी का सीन चला रहा था, तो यहां 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 दोनों सुअर मर गए बेचारे। मैं पहले कहता था इन्हें थोड़ा अलग सा रखो जानवर को। विशाल भाई क्रीपर ने यहाँ ही जमा रखे हैं, पता है क्रीपर भाई बहुत दूर फटेगा। पहले इन सिप को लेके जाओ कहीं, अभी थोड़ी देर माइनिंग मत करो, थोड़ी देर माइनिंग मत करो, पहले एक वीट उग जान दे, फिर उस वीट से इन्हें थोड़ा अलग रखेंगे। इसे तबेले भी तो साइड में बनाया बिल्कुल, क्रीपर फटती ही फटे। और भी हमारे पास लकड़ी की कमी हो रही थी, तो हमने भाई जितनी भी सैपलिंग्स हमें मिली थी हमने सब लगा दी, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ मिल सके, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें वुड मिल सके। सबने अच्छा काम किया, बस मुझे भूख लग रही है, हेल्थ बहुत कम है मेरी। और इस टाइम पे मैं सच में खाना खा रहा था, और मैं खाना खाते खाते इनसे बात बात कर रहा था, तो इसलिए तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगी होगी। और बस हमने पूरी रात फिर माइनिंग गई थी, उसके अलावा हमने और कुछ नहीं करा था। और आगे चलते चलते हमें भाई यहाँ पे एक डॉग मिल गया था, जिससे विश ने टेम कर दिया था। वैसे करना तो मैं टेम चाहता था, पर जैसे मैंने आत्मा डी ली विश ने पहले कर दिया था। और फिर आगे माइनिंग करने के बाद हमें एक और कुत्ता मिला था, पर यार ये कुत्ता बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहा था, मतलब मैंने इसे दोनों हड्डी दे दी यार, फिर भी नहीं पटाई। और फिर मैंने कुछ चेस्ट में हड्डी पड़ी थी, मैंने वहाँ से ला के दी और फिर भी नहीं पटाई। फिर मैंने कुछ विश से मांगी थी, और विश से जो हड्डी मुझे मिली थी भाई, फिर उससे काम चलाना पड़ा, और फाइनली ये पांच छह हड्डी खाने के बाद उससे पटा। तुम देख रहे हो भाई कुत्ते के भी कितने ज्यादा नखरे है यार, पटके नहीं दिया तुम उससे, बहुत देर हो गई थी इसे। मैंने अपना कोने में बिठा रखा है, अभी यहाँ पे मत बैठा यार, क्रीपर फटेगा मर जाएगा ये। हाँ कोने में बैठा रखा है चौधरी, अपनी नहीं तो अपने कुत्ते के बारे में तो सोच रहे थे कुछ। ओए कोई कोई कोई, ये क्या है भाई, क्या है क्या है ये, ये क्या है, ये गार्ड है भाई, मेरी आधी हेल्थ नहीं बचा लो भाई। और रात में आ चुके थे मॉन्स्टर गार्ड, मतलब बस इनमें कुछ ज्यादा खास तो था नहीं, बस ऊपर मॉन्स्टर गार्ड के नाम से आए थे, और ये इकट्ठे कई सारे आए थे, इसलिए बस ये कुछ ज्यादा हमें भाई लग रहे थे। बाकी नॉर्मल आते हैं तो एक दो ही आती है, और मैंने सोचा भाई इन्हें हरा तो सकते नहीं, क्योंकि इन्होंने आर्मर वगैरह पहन रखा, तो मैंने सोचा इन्हें गेर देते हैं, ठीक है। तो हमने भाई गेरना शुरू कर दिया। विशाल तेरा कुत्ता जाता भी वो पहले यार, ये थोड़ा ये भाई भाई इसे शवल से तोड़ देगा बस, विशाल भाई इधर आके इसे शवल से तोड़ दे बस एक बार भाई। पहले इस एरिया को पूरा दोबारा बनाएंगे, अभी दो मिनट माइनिंग मत करो, दो मिनट माइनिंग मत करो भाई, ये सारा एरिया तोड़ो, ऐसे दोबारा बनाएंगे। और यहाँ से शुरू होती है हमारी दूसरी जर्नी, मतलब भाई इससे पहले हमें कोई प्लानिंग नहीं थी, हमने सारी चीज़ भाई पूरी मैसअप कर रखी थी भाई, कौन सी जगह कहाँ है उसको समझ में नहीं आ रहा था। और हमारी सारी चीज़ वन ब्लॉक के पास थी, तो हमारा क्रीपर आता था तो भाई फूट जाता था, और उसकी से भाई हमारे जानवर वगैरह सब मर रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस चीज़ को सारा तोड़ते हैं और दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। और बस फिर हमारे आगे के तीन दिन बस ऐसे ही वेस्ट हुए थे, हमने बस ये पूरा एरिया तोड़ा था, उसे दोबारा बनाया था, और मैं भी इसको बता रहा था कि किस चीज़ की वजह से हमें क्या क्या करना था। अरे पता नहीं किसका कुत्ता, मैं मार दूंगा ये। तेरा ही है, मेरा नहीं है, मेरा कुत्ता मुझे क्यों मारेगा, मेरा कुत्ता तो बैठा दिया मैंने, हाँ रखा बैठा है, मेरा तो उधर बैठा है जानवरों के पास। तो तेरा कुत्ता मुझे मार रहा है, मैं मार दूंगा किसी से। और पता नहीं भाई ये माइनक्राफ्ट में क्या ही चल रहा था, क्योंकि हम तीनों के कुत्ते एक दूसरे को ही मार रहे थे, मतलब विश का कुत्ता मुझे मार रहा था, मेरा कुत्ता विश को मार रहा था, जैक का कुत्ता किसी और को मार रहा था, भाई अलग ही नशे चल रहे थे हमारे इसमें। क्या करवा दे, मैंने तोड़ रहा हूँ मैं, अब इन्हें धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करेंगे। मारो, मैं कह रहा हूँ इस ट्रेडर को मार के इसे घोड़े पर पास कर लो। ये सीड दे रहा है एक एमराल्ड में, पर हमारे पास एमराल्ड नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा।
और 4-5 दिन कुत्ते की तरह मेहनत करने के बाद फाइनली हम वही उस चीज तक पहुंच चुके थे जो चीज हमें चाहिए थी, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम सेफ थे और जहां से हमारे जानवर आना बहुत दूर थे, मतलब अभी पास में है पर हाँ फ्यूचर में हम इनका एक तबेला बनाएंगे बहुत बड़ा जहां पर ये खुशी खुशी रह पाएंगे और अपने बच्चे अच्छे कर पाएंगे, पॉपुलेशन तो बढ़ानी यार इनकी। और हम यहाँ पे आ चुके थे थर्ड फेज पर और यहाँ पे आ चुके थे हमारी सैंड वाली बायोम, मतलब सैंड वाली की ओशन वाली बायोम थी और जिसमें से ओशन में से हमारे टोटल वर्टल मिल गए थे। ओए कोई ब्रोक ठाणे वाला आ जाए पैरा डायमंड 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 विशाल 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 चलिए आओ चलिए आओ चलिए आओ चलिए आओ। रिकॉर्डिंग ऑन। हां हां रिकॉर्डिंग ऑन। इसे इसे तोड़ स्पंज 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 है। हां और यहाँ पर विष्णु ने मुझे एक चीज बताई थी जी हम स्पंज से भाई अनलिमिटेड रिवॉर्ड रिसोर्स कर सकते हैं, मतलब ये चीज मुझे नहीं पता था पर हाँ उसने एक ग्लिच बताया था मुझे ऐसे हम कर सकते हैं अनलिमिटेड रिवॉर्ड रिसोर्स, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई ये भी ट्राई करते हैं। मेरे पास 3 है वैसे बन तो जाएगी। मैं फाइटर ना जान दे। और यहाँ पर यार मेरी उम्मीद कुछ ज्यादा लग रखी थी, मुझे लगा था कि भाई ट्राइडेंट ट्राइडेंट देंगे पर यार मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सा गिलीच सामने हमारे ट्राइडेंट ने सारे पड़े हम ये क्यों नहीं उठा सकते, मतलब जब जो मिस ड्रॉप करेगा हम जब उठा सकते हैं ये मतलब सामने तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी है उन्हें नहीं उठा सकते यार कैसा गिलीच है यार ये माइनक्राफ्ट का जान। पर मुझे मार रही बहुत देखो खुद मार रही तो सील सील लगाओ सील लगाओ पे तू बीच मत आएगा भाई एक इसका कुत्ता है मार दूंगा उसमें जिसका भी कुत्ता है। साले मेरा बैठा हुआ है कुत्ता मेरा कुत्ता नहीं है। हाँ तो पकड़ से पकड़ जिसका भी है विष तेरा है तो तू पकड़ विष का ही है मेरा नहीं है मेरा तो हाँ मेरा ही है। और यार ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब ओरे के कुत्ते मुझे मारते हैं यार मैं गवर्नमेंट से कह के यहाँ पे रोक लगाऊंगा, ऊपर यार मैं भूल गया था यहाँ की गवर्नमेंट भी हम ही है क्योंकि ये हमारा देश है और हम जब चाहे इसे तोड़ सकते हैं जब चाहे इसे बना सकते हैं पर यार ये कुत्ते मानते नहीं है यार क्या ही करें इन कुत्ते का। और ये एक हमारी चेस्ट भैया हमने इतनी सारी चेस्ट रख रखी है पर फिर भी सारी भर रखी है पता नहीं यार इतना सारा सामान हमें आकाश ही रहा है हम इतनी ज्यादा माइनिंग भी नहीं कर रहे। और अगली सुबह होते ही मैं चला गया एक फार्म बनाने के लिए क्योंकि हमें चाहिए था वीट फार्म ताकि हम अपने पापी पेट को भर सके क्योंकि यार पेट का सवाल है यार इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। और फिर हमने करा भाई वॉटर का ग्लिच जो कि भाई मुझे विष ने बताया था कि हम इस स्पंज से अनलिमिटेड वॉटर बना सकते हैं, जैसे हम इस स्पंज यहाँ पे रखेंगे सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और हमारा मतलब वैसा पानी भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे देखो वेट स्पंज हो चुका और हमारा दूसरा जो बाल्टी में हमने पानी रखा था वो भी गायब नहीं हुआ। अब जबकि हमारे पास एक अनलिमिटेड वॉटर रिसोर्स है तो हम भाई एक फार्म बना सकते हैं और यहाँ पे मैं एक वीट फार्म बनाने वाला था ताकि हमारी खाने पीने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो फैंटम हो फैंटम आ गए मेहनती लड़का यार विश यार वंस भाई ये राजा गेट बता कौन सा है। अबे गेट है यहाँ मेरी बीजे पड़ रही है मैं जाने वाला हूँ। और यार पता नहीं यार हर बार मैं शिकार क्यों बन जाता हूँ मतलब ये भाई मुझे पीछे क्यों पड़ रहते यार ये दो बाकी ऐसे खड़े है ना इनके पीछे कोई नहीं जा रहा गया। ऊपर तुम्हारा भाई भी इतना ज्यादा प्रो है कि हमने उसे मार दिया था आखिरकार और सुबह को वैसे अपने आप मर भी जाते क्योंकि भाई ये धूप में नहीं रह सकते जल जाते हैं। और अगली सुबह फिर मैंने अपने फार्म पे काम किया हमारे पास थोड़ी बहुत गाजर थी तो हमने गाजर लगा दी। और फैंटम से पिटने के बाद मैंने सबसे पहले भाई अपना बेड बनाया क्योंकि मैं नहीं रह सकता भाई रात को इतनी ज्यादा सर्वाइव करना क्योंकि भाई मुझे पता है फैंटम मेरे पीछे पड़ेंगे इन दोनों को तो कुछ कहने के नहीं है पता नहीं क्या सौदेबाजी कर रखी है इन दोनों ने। और फिर मेरे एक साथी दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना हम यहाँ पे एक एक्वेरियम बनाए क्योंकि हमारे पास अभी ओशन बायोम चल रही है और यहाँ पे भाई मछली वगैरह आ रही है तो मैंने फटाफट से भाई यहाँ पे जितने हो सके हमने ग्लास बनाई। और उससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना था हमें यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाने थे क्योंकि हमें बहुत सारी वुड चाहिए थी जिससे हमें भाई आगे के फ्यूचर के काम कर सके। और यहाँ पे मैंने जितनी सैपलिंग थी मैंने सब लगा दी थी और फिर मैंने हड्डियों का खाना खाया यानी कि बोन मिल खाई ताकि जल्दी से बड़े हो जाए। अब भी लग रही थोड़ी हरियाली सी पेड़ लगाओ। हाँ अभी तो बड़े लग रहा थोड़ा बहुत। और पता नहीं क्यों यार इसका ये वाला घर मुझे भूतिया घर ज्यादा लग रहा था पता नहीं क्यों भाई ऐसे मुझे फील आई थी जैसे यहाँ से अभी भूत निकल के आएगा और भाई हम सबको मार देगा। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे टोच वगैरह लगा देते हो सकता है भूत ना आए। और अगली सुबह हम अपने एक्वेरियम पे काम करने लगे और जितना ये कहने में आसान लग रहा था ना भाई उससे ज्यादा हार्ड था। पहले मुझे लगा था कि मैं बना दूंगा अकेला पर यार अकेला नहीं बना था तो इसलिए मैंने फिर जैक की मदद ली थी। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी नीचे का बेस बनाने में क्योंकि अगर एक बार नीचे का बेस बन जाए तो मतलब पूरा ये अपने आप बन जाएगा क्योंकि उसमें फिर ज्यादा कुछ करने का है ही नहीं। और बेस ही बनाने में हमारी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी क्योंकि हमारी एक गलती और हम सीधा नीचे। और बेस बनने के बाद हमने बस यहाँ पे ग्लास लगाने शुरू कर दिए थे ताकि हम इसके अंदर पानी भर सके। और फिर हमने नीचे का बेस पूरा चेंज कर देता हमने डर्ट लगाई थी ताकि हम बोनवेल छिड़क के यहाँ पे भाई सी ग्रास उगा सके। और बस फिर पूरी रात हमने बस इसके अंदर पानी भरना शुरू कर दिया था। वैसे पानी भरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था इसमें क्योंकि भाई हम पानी साइड साइड तो डाल सकते हैं पर यार बीच में पानी डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर तुम्हारे भाई के पास है एक प्रो लेवल की स्किल्स तो मैंने एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया हमने बीच में एक लाइन लगा दी और उसके साइड साइड में हमने पानी डालना शुरू कर दिया ताकि इसका बीच का एरिया भी बढ़ जाए।
भाई। और बस ऐसी करते करते हमने पूरा फूल भर दिया था और ये काफी ज्यादा दिखने में ऐसा ही लग रहा था। हाँ मैं बीच बीच में थोड़े बहुत वो बच रहे थे ब्लॉक जहाँ पे हमने पानी नहीं भरा क्योंकि वहाँ पे भरा ही नहीं जा रहा था यार बड़ी उसके से हमने ये इतनी सारी चीजें करी थी। और बस फिर अगले दिन तीन चार दिन तक हमने बस माइनिंग करी थी और कुछ ज्यादा नहीं करा था। और फिर चेस्ट में जो भी हमें सी ग्रास मिलती थी वो अपने एक्वेरियम में लगा देता था ताकि हमारी मछली को थोड़ा अच्छा सा लगे और दिखने में भी थोड़ा हमें अच्छा सा लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा एक्वेरियम जैसा लग रहा है। हाँ बस इसी की कमी तो थी। ओ भाई यार ये चीज तो लो सही है ट्राइडेंट वाले बंदे आ रहे हैं और ट्राइडेंट मार भी नहीं रहे। मुझे नहीं पता क्यों ऐसे क्या ग्लिच हुआ पर यार ट्राइडेंट नहीं मार रहे थे। पर यार सबसे बड़ी मुसीबत यार ये बड़ी वाली फिश थी और यार मेरी मेहरबानी की वजह से ये नीचे गिरी नहीं रही थी क्योंकि मैंने हर जगह पेड़ लगा दिए थे और ये मछली कुछ ज्यादा बढ़ती थी इसलिए भाई नीचे गिरी रही थी। बहुत ही यार इसे बहुत ही मुश्किल से नीचे गिराना पड़ रहा था। ओ भाई इसका एक अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कुत्ते मारे जाएंगे भाई कुत्ते मारे जाएंगे ब्रो कुत्ते मारे जाएंगे। हैं ये तो अटैक ही नहीं कर रहे। और फाइनली हम सब ने मिलके उन्हें मार दिया। मतलब ट्राइडेंट वाले बंदे तो कुछ कह ही नहीं रहे थे उन्हें तो मारना बहुत आसान था। पर यार ये बड़ी बड़ी मछली थी ना वो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती थी और सबसे बड़ी वाली मछली भाई मतलब क्यों ही आती है वो सो जाओ। अबे घर के आगे देख वंश घर के आगे देख हमारे क्या मॉन्स्टर कहां है बे हमारे घर के आगे देख अबे सारे मारने से पहले घर के आगे दिखा रहा है नूनी अपने कुत्ते छोड़ो इन पे खुद की लड़ रहे भाई हमारे कुत्ते हैं हमारे पास। अबे इतने सारे मॉन्स्टर कहां से आ गए ये तो कह रहा हूं ये विशाल मेरा घर वो एक्सपी फार्म की तरह काम कर रहा है जो घर बनाया है उसके ऊपर भाई सारा फूट गया सब गया सब गया सब कुछ गया। वेल डन भाई मतलब कई सीन बनाया हमने है ना क्योंकि ये जो हमने घर बनाया था इसके अंदर मैंने टोर्च रखी थी मुझे याद है और पर ये एकदम एक्सपी फार्म की तरह काम करने लगा। मतलब भाई इसमें 100-200 ज्यादा बोल रहा हूँ मतलब 50 zombies तो मतलब होंगे यार कम से कम। और यहाँ पर हमारा पूरा घर तबाह हो गया था बस इन क्रीपर की वजह से फट गए थे। और इसे देखने के बाद भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था पर हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया था कि हम भाई एक्सपी फार्म जरूर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपी फार्म बहुत ही तकड़ा काम करने वाला था। अगर भाई ये सीन चल गया ना हमारे पास बहुत ज़्यादा ही एक्सपी होने वाली है। और बस अगला दिन तो हमारा पास पूरा दिन ऐसे निकल गया भाई इन चीज़ों को रिपेयर करने में क्योंकि जो सफाई हमने मचाई है ना मतलब हमने नहीं क्रीपर ने मचाई है उसे वापस रिपेयर भी तो करना है। और यहाँ पे माइनिंग करते करते हमें कुछ मछली मिल जाती है तो हम उसे पानी भर के भाई यहाँ पे छोड़ देते ताकि वो भाई मर ना जाए और जिंदा रह जाए। पर यार उसमें हम सारी मछली को एक साथ नहीं ला सकते तो उसमें कुछ मछली मर भी जाती थी जैसे कि तुम सामने देख सकते हो वो मछली बिल्कुल मेरे सामने मरी थी उससे हमें एक चलो खाने का जुगाड़ तो हो ही जाता है मतलब अच्छी बात है। यार सीड से भी कुछ नहीं होता इस पे तो गिर जा ओ गिर गई आधी हेल्थ नसीब देख रहे हो मेरा भाई मतलब आधी आधी हेल्थ से बच के आ रहा हूँ मौत को छू के टक से वापस। और ये सब मतलब एक बार ये तो आगे आगे देखो भाई कितनी बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है मैं आधी आधी हेल्थ से बच के आया हूँ और खतरनाक था भाई ये सीन खतरनाक था। हमारे पास अभी तक 2 diamonds आए हैं तेरे पास कितने हैं तो 3 हो गए ना पिकैक्स बना सकते हैं अगर वो आएगा ऑब्सिडियन नहीं मिल जाएगी मछली की बाल्टी है लाइक कोड। और हम आ चुके थे नेक्स्ट वाले फ्रिज में ये हमारा भाई 3rd या 4th फ्रिज चल रहा है जहाँ पर हम भाई नई नई बायोम में आते आते हैं। और यहाँ पर यार एक ऐसे मिक्स बायोम आई थी इसमें हमें क्लोबरस्टोन बहुत ज़्यादा ही मिले थे भर भर के तो मैंने सोचा भाई इतने सारे क्लोबरस्टोन का करेंगे क्या तो हम एक्टिव फार्म बना सकते हैं और एक्टिव फार्म यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद थी। तो फिर मैं भाई इतने सारे स्टोन वगैरह ले लेके मैं ऊपर की तरफ चला गया अपने एक्टिव फार्म बनाने के लिए। और अगले 2 दिन तक मैंने बस अपना एक एक्टिव फार्म बनाया। ये देख सामने घर के बराबर में ये प्लेटफॉर्म किसने तूने पढ़ा कर रहा था क्या भाई कुछ ज़ॉम्बीज़ आ रहे कुछ ज़ॉम्बीज़ इधर आ रहे कुछ ज़ॉम्बीज़ इधर आ रहे मेरी तरफ मैं पेड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ ठीक है भाई इन्होंने बड़ी दूर से देखा मुझे स्केलेटन में नहीं मार रहा तेरे पीछे ही है। अरे यार ये बालक है यार स्पाइडर भी आ रहा है स्पाइडर अरे नहीं खेल दिया भाई बचा ले मेरा कुत्ता कुछ क्यों नहीं कर रहा ये कैसा कुत्ता है
इसका रिटर्न स्केलेटन मेरे पास ही है। नहीं हाँ मतलब तू तो ऊपर है ना सेफ। हाँ मैं सेफ हूँ। हाँ फिर ठीक है, पर एक्सी फार्म तगड़ा चलेगा और मैं तो दो तीन फार्म बनाऊंगा भाई। मैं वही सोच रहा भाई, दो तीन फ्लोर का बना लेता एक्सी फार्म। नहीं दो तीन, एक वहाँ एक यहाँ, तीन चार जगह बना दूंगा। ओए भाई अब देख अब देख अब देख कैसी तकड़ी आग लग रही है मेरे पास, देख तो भाई बस। और यहाँ पर तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि उस टाइम भाई मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब था, वैसे अभी भी है, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ अपने दूसरे चैनल पे। वैसे मैं कह रहा था भाई इस हफ्ते मैं लाइव आ जाऊँगा, पर यार मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब था यार, अच्छा कोई ना लगेगा, मैं पूरी लाइव में खांसता रहूँगा और तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा और मेरे भी यार दिक्कत सी हो रही है अभी तो, इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा वेट आउट कर लो। पर हाँ अगर जिस जिसने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मैं उस पर लाइव आने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना एक्सी फार्म बना दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पे ज़्यादा ज़ॉम्बीज आएंगे और भाई उससे तकड़े ही काम कर रहा था। मतलब भाई एक दो तलवार में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपी मिल रही थी, मतलब तुम सोच सकते हो मेरे 13 से 14 XP से 27 या 28 पा चुका था डायरेक्ट। मतलब मैं सोचा था भाई अब एक और बनाना है, मैंने सोच लिया था कि एक और बनाऊंगा और यहाँ पर हमें एक बैम्बू मिल गया था ताकि हम अपने पांडा वगैरह को फीड कर सके। वैसे अभी हमारे पास पांडा आया नहीं था तो मैंने सोचा कि भाई इसे भी यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर फिर मैंने एक्सपी फार्म पे दुआ चला गया क्योंकि मुझे भाई एक्सपी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही था यार ये। और यहाँ पर माइंड करते करते यहाँ पर एक विच आ गई थी जिसने मुझे एक पोशन दे दिया था जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, मतलब इतनी भी कम नहीं हुई थी। पर हाँ यार ये मुझे अगर पॉइजन दे देती मैं पक्का मरता, और यहाँ पर इसे पॉइजन तो दिया नहीं था पर इसने मुझे एक इफेक्ट दिया था जिससे मेरी बस आधी हेल्थ कम हुई थी, मतलब क्यों। पर यार एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस पूरे गेम में, मेरा एक्सपी फार्म भाई क्या खतरनाक लूट दे रहा है, मेरा अब तक का ये बेस्ट फार्म है। मतलब मुझे ये नॉर्मल लगता था यार ये, मतलब नॉर्मल ये है, मतलब थोड़े बहुत एक्सपी मिल जाएंगे, पर यार वन ब्लॉक में ये एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि एक और एक्सपी फार्म बनाता हूँ, ज्यादा मॉब्स आएंगे। ये क्या घोड़े आ गए, घोड़े घोड़े रख ले साइड में, एक वो भी बनाना पड़ेगा, रुक अभी माइनिंग मत कर। क्या बोल लेगा बंटा, एक कोल मिल रहे। और बस फिर पूरी रात माइनिंग करने के बाद हमें 7 आयरन मिल गए थे जिसे हमने मेल्ट कर लिया था। मैं तलवार बना रहा हूँ, मेरी आयरन की तलवार टूटने वाली है। हां सर मुझे बना दे तो पिकैक्स। ज़ॉम्बीज तेरे पीछे, मार दिया। और यहाँ पर मेरे दोनों पेड़ एकदम पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत थी। और मेरा एक्सी फार्म में बस थोड़ा सा बच रहा था, मैं 2 मिनट में करके आता हूँ। इसे हटाओ यार यहाँ से पहले तो। अबे मॉन्स्टर आने वाला है। ओए मॉन्स्टर पीछे 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 भाग, पीछे भाग। या तो ये जाएगा बीच, अब आ जाओ तुम्हारी बाहर का कुत्ता काट तुम्हारी। बीच तो मैंने फेंक दी नीचे को। अबे मछली इसको मार रही है, इसको गाय कहाँ वाली। और यहाँ पे मुझे लगा था पोषण, तो मैंने सोचा भाई दूध पीने से पोषण चला जाएगा, और फिर मैंने जल्दी से दूध पिया और हमारा पोषण रुक गया था। वो ऐसे अब आएगा ही नहीं, वो रास्ता ही भटक चुका है। तो दो नीचे है ये आ गया तेरे पीछे गया। और यार मुझे सच बताना यार, किस किस को ये चिड़िया सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि मुझे तो यार लगती है यार, मतलब इन ये चीज़ यार मतलब दीवार के आर पार कैसे निकल सकती है, बट मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मार अटैक करती है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दीवार के आर पार निकलती है ना उससे दिक्कत है मुझे यार। इतनी सारी पावर एक मॉब्स को नहीं देनी चाहिए ना, मतलब मुझे पता है ये जादुई चिड़िया है पर ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ये इन्हें दीवार से पार मत निकालो। रस्सी टूट गई, ट्रेडर ऐसे फेंस के जाता है अंदर को चला गया। एक रस्सी तेरे पास है। और पता नहीं यार ये घोड़ा कौन से नशे करके आया था भाई, हमने इतना धक्का दे लिया पर अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। और यहाँ पर हम दोनों ने नशे कर लिए थे क्योंकि मैं गेट खोलता था ये बंद कर देता था, मैं खोलता था फिर ये बंद कर देता, बस हमारे में यही चल रहा था, मतलब क्या ही चल रहा है यार हमारी जिंदगी में। और बस फिर मैं थोड़ी बहुत खेती करने लगा क्योंकि भाई पेट को भी पालना है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, और हमारे पास खाने के लिए भाई इतना ज्यादा खाना नहीं था, तो हमने सोचा भाई वेट उगवाते हैं, हरियाली लाते हैं मतलब अपने देश में। और अब आई थी अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को यूज करने की जो कि हमारा ग्रास ब्रोक था, क्योंकि ग्रास ब्रोक हमें बस एक ही मिला था, उसे हमें बहुत ही अच्छे से यूज करना था। और बस फिर मैंने यहाँ पे भाई अपना ग्रास ब्रोक लगा दिया, तो फिर यहाँ पे हमने पांडा का एक घर बना दिया था और हमने पांडा को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। और जो तुम ग्रास लीव देख रहे हो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज़ लगी थी ताकि हम कम ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके। और फिर मैंने इनकी वॉल बनानी शुरू कर दी क्योंकि यार ये हमें पास बहुत है और हमें इनकी अच्छी खासी वॉल बना सकती है। ओए मत करना, बेड रॉक ही तोड़ रहा है। ओए रुक जा प्लीज प्लीज। ये कौन सी बायोम, नेदर नहीं आई। रेड सैंड बैडलैंड आई है। और भाई हम सब सोच रहे थे कि भाई इस बार नेदर आएगी, पर यार नेदर नहीं आई। और फिर मैं कुछ देर के लिए मैंने सेडस लगा के देख रहा था कि हमारा वर्ल्ड कैसा लग रहा है, और यार सेडस लगा के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर यार मैं सेडस ज्यादा लगाता नहीं हूँ क्योंकि
स्टेटस में यार फिर माइनक्राफ्ट वाली वो वाली फील नहीं आती, बस हाँ दिखने में अच्छा लगता है। और मुझे स्टेटस लगा के खेलना होता है यार, मैं GTA 5 वगैरह खेल लेता जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं खेलने में भी, और स्टेटस लगा के पता नहीं क्यों मुझे माइनक्राफ्ट वाली फीलिंग नहीं आती। और हमारा एक्सी फार्म भाई लूट फार्म जैसा काम भी कर रहा था, हमारे पास इतने सारे बो हो गए थे तो हमने उसे भाई रिपेयर करके और एक नए बो बना लिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डैमेज बो थे तो मुझे लगता भाई स्टोरेज बढ़ाएंगे ये, तो हमने बस ये काम करा। और फिर हमने भाई पांडा की ब्रीडिंग करवा दी ताकि ये थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास 5 डायमंड हो चुके थे, मतलब इससे हमें भाई डायमंड की पिकैक्स बना सकते थे अगर ऑप्शन वगैरह आए उस केस में। चलो फॉक्स डायमंड ले रही है, मैं मार दूंगा से, एक तो बहुत कम डायमंड मिलते हैं। ओ भाई भाग गई, नहीं चलो बच गई, ये रही बच गई। बम्बू दे दे, कुछ और सामान दे दे, डायमंड फेंक देगी। ओ छोड़ दे। अब क्या उठाया उसने डायमंड की जगह? नहीं तेरा ब्रेड। और मुझे ये नहीं पता था यार फॉक्स इतनी ज्यादा हरामी होती है, मतलब भाई हमारी डायमंड लेके भाग गई। एक तो वैसे यार वन ब्लॉक में बहुत लिमिटेड रिसोर्स मिलते हैं, ऊपर से यार ये चीज खा के भाग जाती है। और यार ऐसी सेम चीज ने मेरे विलेजर के साथ करी थी, अब स्पॉइलर दे दे तो खैर छोड़ो कोई नहीं, क्योंकि 5 सेकंड में विलेजर स्पॉन होने वाला है। और यहाँ पे हमारा विलेजर स्पॉन हो चुका था जिसका नाम भी था रुथ, पता नहीं क्या नाम है पर हाँ रुथ इसका नाम है। और ये हम बनाने वाले थे इसे एक फ्लेचर ताकि हम डंडी बेक बेक के करोड़पति बन सके, जो कि ट्रिक हमने जंगल वाली इसमें करी थी भाई, हमने बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ी थी और वहाँ से हमने बहुत सारे एमराल्ड इकट्ठे करे थे। ये कुछ कह नहीं रहा, ये कुछ नहीं कहेगा हमें। हाँ तो ये तो कह रहा हूँ, जो तुम मार रहे या रखे ने कैद करके रखते हैं, कैद कैसे करेगा दिखाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास आ चुके थे 2 प्लेजर जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे भाई, उनके पास एक बो खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो हमने सोचा इन्हें अपने घर में आशा ना देते हैं और हमने इसे बंदी बनाने की सोची। पर यार हमारा ये काम इतना अच्छा चला नहीं क्योंकि डिस्पोन हो गए थे कुछ ही देर में। और विलेजर के आते ही हमने उससे भाई स्टिक बेक बेक के करोड़पति बनने का सपना देख लिया था, और हमने पहले ही दिन उसे 4 एमराल्ड ले लिए थे, मतलब काफी अच्छी लूटपाट करी थी हमने उस विलेजर से। पर यार यहाँ की गवर्नमेंट हमें तो अभी हम टैक्स भी लेंगे उससे। और यहाँ पे विश ने बहुत सारे पेड़ उगा दिए थे, फिर हमने पेड़ काटे थे, उन पेड़ से हमने प्लैंक बनाई, उस प्लैंक से हमने स्टिक बनाई और उस स्टिक को हमने जाके रूथ को बेचा था, और यही हमारा काम चलता रहा बस ऐसी करके, और ऐसी कर करके हम करोड़पति बनेंगे फ्यूचर में। और यहाँ पे एक और विलेजर स्पॉन हो गया था हेदी के नाम से, तो हमारे पास बहुत सारा कोयल था तो हमने उसे कोयल बेक बेक के लूटा, मतलब लूटा नहीं भाई इसने बहुत महंगी चीज दी थी, मतलब भाई 15 कोल में बस 1 एमराल्ड, मतलब ये सबसे महंगी डील है। और पर यार ये फायदा क्या था इसका, ये बैल दे रहा था तो हमने बैल खरीदी थी ताकि हम विलेजर को मतलब बैल के नीचे रख सके। पर अफसोस की बात है वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया वो तो भाग देखना। यहाँ पे मैं विलेजर को ब्रीड करवा रहा था, मुझे डर लग रहा था ये फोक्स भाई खाना न लेकर भग जाए, क्योंकि पहले भी ये डायमंड लेकर भग चुकी थी, मेरा मन कर रहा था मार दूं पर यार विश कह रहा था मत मार, ठीक है मैंने सोचा नहीं मारते। और यहाँ पे उनके 2 दिल मिले, फूल खिले, सुबह हो गई और तुम पता ही है फिर क्या होता है, समझने वाले समझ जाओ। यहाँ पे फिर हमने सभी आयरन को अपने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया था। बच्चा सा क्या है, कैसे सो रहा है, आँख खोल के और फिर हमारे पास जितना आयरन था हमने उससे एनिल बना ली थी। और फिर मैं चला गया था एक और फार्म बनाने के लिए जो कि हमारा होने वाला था कैरेट फार्म। और बस फिर उस वाले फार्म को बनने के बाद मैंने अपनी जितनी भी कैरेट थी मेरे पास मैंने वो सारी उगा दी, क्योंकि हमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा खाना नहीं है कि भाई हम तीनों अपना पेट भर सकें, और अब तो विलेजर भी आ गए तो उनकी ब्रीडिंग भी करवानी जरूरी है। और यहाँ पे विश भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था भाई, उसका मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, मतलब भाई उसने बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनाया था जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि मैं नहीं बना सकता भाई ऐसा परफेक्ट सर्कल। और यहाँ पर भाई ये मॉन्स्टर पार्टी आ चुकी थी, इनका मॉन्स्टर गार्ड आ चुके थे, तो मैंने सोचा भाई आयरन कॉलम तो है यार, क्यों टेंशन लेना भाई, आयरन कॉलम खुद बचा लेगा। आयरन देता है। हाँ मारेगा तो हजा बोलो, ये तो कुछ नहीं करेगा इसके सब वही नहीं है। आ क्रीपर नहीं गया। और ऐसे हादसे हमारे साथ बार बार होते रहते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, बस यार नई बात ये थी इसने चेस्ट फोड़ दी थी, और यार सामान रखने में मुझे बहुत ज़्यादा हल्का सा था, अब तो बस मैंने फिर वही काम करा। और फाइनली यार इतनी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद हम फाइनली नेक्स्ट फेज पर पहुंच चुके थे, जो कि ये हार्ट वाली जब आ जाती है तो मतलब तुम समझ जाया करो कि भाई यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट फेज में। अरे नेदर भाई 7th फेज चल रही है ना मतलब ये। और नेदर आते ही हम सब बहुत ज्यादा ही खुश थे, खुश इसलिए थे कि हमें यहाँ पे ऑब्सीडियन मिलेंगी, खुश इसलिए थे कि हम भाई उससे एन्चेंटेड टेबल बना सकते हैं जिससे हम अपनी चीजें एन्चेंट कर सकते हैं, और बस इतने ही खुश थे, ज्यादा खुश नहीं थे। पर हम यहाँ पे दुखी भी थे क्योंकि यहाँ पे ब्लेज अगर आ गई ना उसने भाई एक अटैक कर दिया तो हमारा पूरा लकड़ी का बेस जल जाएगा, और ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी, मतलब ये हमारी दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम थी, हमने ये चीज करी थी। और बस फिर मैं अपने 2 बो को एक साथ जोड़ दिया था एनिल से, उससे मेरी भाई 6 XP एक साथ गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने लगा एक बोल, क्योंकि अगर भाई गास्ट वगैरह आ चुके थे तो वे भाई एक दिन कैद हो जाएंगे, वो मतलब बाहर अटैक नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मैंने बनाया अपना गोल्ड का हेलमेट, क्योंकि अगर पिगलिन स्पॉन हो गए तो मुझे कुत्ते की तरह मारेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हेलमेट लगा लिया था,
उसके बाद जब मैंने माइनिंग करी तो यहाँ पे सच में पिगलिन स्पॉन हो चुके थे। तुम्हारा भाई एकदम हमेशा आगे रहता है, तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं। और यहाँ पे हमारे पास आ चुका था एशियन डेब्रिस, उसके लिए चाहिए थी हमारे पास डायमंड की पिकैक्स, और मैंने फिर फटाफट से डायमंड की पिकैक्स बनाई और फिर मैंने उससे भाई अपना पहला एशियन डेब्रिस भाई लिया था। और उसके अगली भाई हमें मिल गया था ऑब्सिडियन, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे पोर्टल बनाना था, और पोर्टल बनाते ही हमें नेदर में जाएंगे, नेदर से भाई हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। और उसके बाद मैंने अपनी डायमंड की सोर्ड बनाई ताकि अगर कोई मॉन्स्टर वगैरह आ सके तो मुझे आसानी से मार सके, क्योंकि अब नेदर चल रहा है और मुझे पता है देखो ऐसे ऐसे चीज़ तो आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे भाई वीदर स्पॉन हो चुका था और मैं भाई बहुत ही मुश्किल से बचा था, और फिर यहाँ से मैंने सोचा कि इसे एरो मारते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने स्लैब्स लगा रखे थे और ऊपर मैंने बोल लगा रखी थी, उसमें पता हो कि वीदर स्केलेटन की हाइट 3 ब्लॉक की होती है, मतलब वो 3 ब्लॉक की पूरी 3 ब्लॉक की नहीं होती है, मतलब हल्की सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हमें एशियन डेब्रिस मिल चुका था, मतलब हमारे पास अब 4 एशियन डेब्रिस हो चुके थे, मतलब मैं एक इंगोट बना सकता था। मैं भी वही ले लेता हूँ, रख देता हूँ मैं। मैंने विलेजर से डायमंड के बूट लिए थे और उसे मैंने अपनी चेस्ट में रख दिए थे, पर मुझे नहीं पता भाई मेरे बूट पे किसी की बुरी नजर थी भाई, आखिर ये मुझे मिले ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा पर यार नहीं मिल रहे थे मुझे। अबे एक ट्रेडर बिल्कुल एक्सी फार्म के कोने में स्पॉन हुआ है, वो देख। हाँ लामा पता है भाई, ये अलग ही दिमाग है इनमें, ये कह रहा है सारी जमीन कहाँ गायब हो गई। रस्सी से खींच के लाऊं, रस्सी नहीं है। मेरे पे है रस्सी। और अब शुरू होता है इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत नजारा, मतलब कि यहाँ के टाइम लैप्स, मतलब इस वाले वर्ल्ड को बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम लैप्स दिखा रहा हूँ, उसका मजा लो तुम लोग। और यहाँ पे खत्म होता हमारा ये टाइम लैप्स भाई। यार इस चीज को बनाने में हमें भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा था, हमारा 73 डे चल रहा था ये वाला, और यार हम नहीं चाहते थे कि भाई हमारा पूरा 100 डे बस इसी घर को बनाने में लग जाए, और इसलिए मैंने विस्को कह दिया था कि भाई अब चीज को रोक देते हैं, अभी और काम नहीं करते, और बस हमें बस ऊपर की छोटी छोटी बनाई थी, हमें बस वो काम करके हम नेदर चलते हैं, क्योंकि हमें भाई वीदर को बनाना है, एंडर ड्रैगन को बनाना है, और एक दो ऑब्जेक्टिव और करनी हो भाई, वीगन वगैरह ही बनाना था, तो मैंने सोचा भाई ये काम अभी स्टॉप करते हैं, और बस इस चीज़ के बाद हम और कुछ नहीं करेंगे, और से हम 200 डे में करेंगे अगर इस वाली वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। और बस फिर हमने यहाँ पे लेजर के लिए भाई स्टेशन लगा दिए थे, वर्किंग स्टेशन, और यहाँ पे आके अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे रात हो गई थी तो हम जाके भाई सो गए थे आराम से, और अगली सुबह मैं यहाँ पे बोनविल छिड़क रहा था, और फिर मैंने थोड़ी बहुत ग्रास काट रहा था। देखो ग्रास अच्छी लगती है, पर जो मतलब छोटी वाली ग्रास होती है, ये जो ग्रास मुँह तक आ जाती है ना, ये वाली ग्रास मुझे बहुत बुरी लगती है, यहाँ पर छोटी ग्रास मुझे काफी ज्यादा सही लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, और ये बस जंगली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी पिकैक्स एनचेंट करा था, और मैंने इफिशियंसी 4 लिया था, पर उसके साथ साथ मुझे फॉर्च्यून 2 और भाई अनब्रेकिंग 3 भी मिल चुका था, जो कि काफी ज्यादा सही था। फिर मैंने अपनी सोर्ड भी एनचेंट करी, उसमें मुझे नॉकबैक 2 मिल रहा था, तो मैं सोचा था कि भाई मुझे शार्पनेस 5 मिल जाएगी उसके साथ, मजाक कर रहा था यार, मतलब इतनी अच्छी किस्मत का यार मेरी, मतलब ऐसे कैसे मिलेगी। और फिर बस हमारे पास कुछ बुक थी, तो हमने उन्होंने सोचा कि भाई इन्हें एनचेंट कर लेते हैं, क्योंकि इनसे हम अपग्रेड हो जाती है, मतलब हमें कुछ नई नई चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 वगैरह मिल रही थी, तो मैंने सब ले ली। और फिर मैंने यहाँ पे अपने बो में इन्फिनिटी लगाई, जिससे भाई मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपी गई थी, मतलब भाई 11 एक्सपी गई थी मेरी पूरी, बहुत ही ज़्यादा दुखद भरी कहानी थी ये। तलवार ले बना ली, ये कैसी है? तूने कहा था मैं ले बना ले। लूटिंग 2। और यहाँ पर मेरे पास 2 तलवार हो गई थी, तो मैंने सोचा था इन दोनों तलवार को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, पर उसके लिए मुझे चाहिए थी बहुत सारी एक्सपी। और तुम आगे सुनो भाई होता क्या है, मैं एक्सपी लेने के लिए गया, मैं आराम से एक्सपी कर रहा था, यहाँ पे मेरा एक्सपी फार्म ज्यादा काम कर नहीं रहा था, क्योंकि विश ने अपना इससे ही बड़ा एक्सपी फार्म पीछे बना लिया था, और मुझे नहीं पता इसके एक्सपी फार्म बनते ही मेरे एक्सपी फार्म में क्या हुआ भाई, मेरा एक्सपी फार्म भी नहीं चल रहा था। और बस फिर पूरा एक दिन लगाने के बाद मुझे भाई 23 एक्सपी चाहिए थी, जो कि मुझे तलवार को एनचेंट करने के लिए लग रही थी। और बस फिर मैंने बस यहाँ से एनचेंट करा, और यहाँ पे मुझे फाइनली वो चीज़ आ गई थी। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत
क्लिक करी थी मैंने तलवार वो आगे पीछे कर दी थी, मुझे शार्पनेस 3 चाहिए थी जो कि ये वाली थी, मतलब जो करंट विंडो पे तुम्हें दिखाई दे रही है, और पर मैंने यार ये वाली तलवार पीछे लगाई और पीछे वाली तलवार आगे लगा के मैं देख रहा था और गलती से मुझे वहाँ पे क्लिक हो गया, मेरी सारी एक्सपी चली गई और भाई मुझे तलवार ये वाली चाहिए भी नहीं थी। भाई यार क्या ही हो गया यार, ये सीन बहुत ही गंदा सीन था यार ये वाला। अरे यार मैंने एक गलती कर दी। क्या? मुझे शार्पनेस 3 चाहिए थी, उसके बदले मैंने वो लगा दिया। अरे यार मैं बस देख रहा था इन दोनों को कैसे अलग अलग करते हैं और वो गलती से वहाँ पे क्लिक हो गया। मेरी तलवार दिखेगा? दिखा। पल्ले के नहीं भागना। नहीं नहीं भगवान नहीं। और यहाँ पे हमारे पास शार्पनेस 2 और शार्पनेस 3 की भाई बुक थी, तो हमने सोचा भाई इससे शार्पनेस 4 बन सकती है, मैंने शार्पनेस 4 बना ली और फिर मैंने सोचा कि इसे अपनी तलवार पे लगा सकते हैं, पर ये तलवार पे लगती नहीं है, मतलब इसके लिए हमें पहले डायमंड की तलवार बनानी पड़ेगी, उसमें फिर शार्पनेस लगानी पड़ेगी और फिर इन दोनों तलवार को हमें एकदम कंबाइन करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कितना लंबा प्रोसेस था? भाई यार मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हमें भाई इतनी सारी एक्सपी जानी पड़ रही है और इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। चलो चलो। तेरे पे कितने एंशिएंट डिब्रेट थे? मेरे पे एंशिएंट एमडी 4 है और एक स्क्रैप है। एक स्क्रैप मेरे को दे दो फिर। और उसके बाद फिर मैंने भी अपनी एशियन डेब्रिस भाई मेल्ट होने के रख दिए थे ताकि हम उसे स्क्रैप मिल सके और स्क्रैप से हम एक इंगोट बना सके। यार मतलब इतनी कम भाई एशियन डेब्रिस मिल रहे थे ना हमें, हम भाई खुद ज़्यादा परेशान थे। फाइनली वो वाला टाइम भी आया जब हमें भाई नेक्स्ट फेज मिला और उसके बाद फिर मैंने अपना नेदरराइट इंगोट बना लिया क्योंकि ये एक ही बन सकता था, तो मैंने एक ही बना लिया। सारी मधुमक्खी मुझे गुस्सा है। क्यों? हाथ लग गया था यार गलती से। अब उन्हें फूल खिला दे। मैं तो मार दिया। और फिर विश मेरे लिए एक डायमंड की चेस्ट प्लेट ले आया था जो कि विलेजर से ट्रेड करके लाते हैं हम, क्योंकि भाई हमारे पास इतने ज्यादा डायमंड नहीं है कि हम उसे खुद बना सके, इसलिए हम ट्रेड कर रहे हैं ये सब चीज। और फिर यहाँ पे हम अपने तोते को नचवाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसके अंदर सीढ़ी डालने को ही नाचने लगेगा, फिर तोता कह रहा भाई टिकटॉक कर थोड़ी दूँ कहीं भी नाच लूंगा। पता क्या करना है? माइनिंग। कुछ नया सुझाव? क्या सुझाव दें? कुछ भी। चल मैं माइनिंग कर रहा हूँ, तू यहीं खड़ा रहे, कोई ब्लेज वगैरह आ गया। वैसे अब तो नहीं आएगी ना? नहीं अभी नहीं आ रहे। हाँ अब चल जल्दी माइनिंग करते हैं। और बस फिर हमने अगले एक दो दिन तक बस माइनिंग करी थी और कुछ नहीं करा था। मैंने बना लिया अपना रास्ता। मैंने ही बना लिया। अबे ब्लॉक की लगा दिया, मैं ऊपर जा रहा था पानी लगा के। हाँ मैं भी तो ऐसे ही जा रहा था। मैं अटक गया ब्लॉक तोड़। मैं तोड़ देता हूँ। नहीं आ गया आ गया तोड़ दिया। आ गया ना? आ गया। मैं पहले अपना दूध पीता हूँ और इस पानी को। अरे अपनी बाल्टी में जो दूध था वो अपना दूध नहीं। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है यार ये लड़का। मतलब जब मैं पहले विश से मिला था मुझे ऐसा लग रहा था भाई पूरी कॉलोनी में सबसे अच्छा लड़का यही है, पर एक दो हफ्ते बाद मुझे पता चला भाई सबसे हरामी लड़का है ये पूरी कॉलोनी का। थोड़ा टाइम करता हूं चल इसी बात पे। कितने सेडल है? दो है, एक किसी चश्मे में पड़ा है, वो ढूंढ ले। अच्छा ढूंढू भी मैं ही। ये हॉर्स आर्मर आया है मेरे पास। तो ये गधा है घोड़ा है? कौन सा घोड़ा है वे? छोटा सा लग रहा है। हाँ गधा ही है। मगर कर लेता टीम। कह रहा है छोटा सा लग रहा है। अबे तू आर्मर तो लेके नहीं घूम रहा? ना मेरे पे सैंडल है। और ये सफेद घोड़ा एक मेरा एक तेरा। और फाइनली भाई घोड़ा टेम करने के बाद राजा वाली फील आ गई थी। बस मुझे एक वो चाहिए था, एक सिंहासन सा जिसमें मैं बैठ कर आराम से एक जनता को वो दे सकूं, मतलब क्या दे आधे आदेश दे सकूं, और बस यार यही फील चाहिए। नहीं 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 घोड़े पे लड़ेंगे हम। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरे घोड़े की हेल्थ इतनी ज़्यादा कम क्यों है। मतलब भाई मैंने कुछ सर्वाइवल वाले जो मैं वर्ल्ड खेलता था उसमें देखे थे कि घोड़े की हेल्थ दो दो बार चली जाती थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घोड़ा की हेल्थ एक बार क्यों, बहुत ही ज़्यादा कमजोर घोड़ा है यार मेरा। और फाइनली वो दिन भी आ गया था जब मैंने अपनी तलवार को वापस ठीक कर दिया था उसी वाली पोजीशन पे, पर हाँ एक अपग्रेड था उसमें शार्पनेस 3 लग रही थी और इसमें शार्पनेस 4 लग रही थी। और फाइनली भाई हमारी तलवार बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रही थी, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल तलवार नहीं होगी किसी के पास अभी तक, मतलब मेरी इस वाले वर्ल्ड में। और अपनी तलवार को और भी ज्यादा खतरनाक करने के लिए मैंने उसमें लगा दिया था भाई नेदरराइट का इंगट जो कि और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। पर वो एमराल्ड है हमारे पास, मुझे डायमंड खारून लेना है। हाँ मेरे पे 24 है। दियो। चिड़िया 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 है। तलवार इतनी खतरनाक बना दी ना एक बार में भाई पूरा वो खत्म था। अरे नहीं नहीं मैं गया चिड़िया नहीं चिड़िया नहीं। अबे दो अबे दो है क्या ये? हाँ मेरे वाले एक्सी फार्म पे आ गए भक्के, वहाँ चिड़िया नीचे ले जाएंगे गल्ले। आ रहा हूँ ना हूँ। क्यों ऐसा क्या है तेरे एक्सी फार्म में?
अरे ये साइड में नीचे फंसे जाते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी। हैं हाँ ठीक है, खाना नहीं है पास, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, देखे नहीं आ रही ना। आई 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 गोल्डन कैरेट है मेरे पास, गोल्डन कैरेट है। अरे यार इसे खा आराम से बैठ के, मैं कहाँ जा रही है ये, गया खत्म ना। हाँ सही से नीचे वही, एक नहीं और, यही मधुमक्खी है, तीन तीन मधुमक्खी है नीचे। और उसके बाद फिर मैंने अपना भाई डायमंड का पूरा आर्मर बना लिया था, मतलब बनाया था मैंने, खरीदा था उससे भाई, पैसा इतना है यार तुम्हारे भाई के पास, मतलब मेरे पास नहीं, मैंने जिससे उधार लिया था, और मेरे सारे एमरेट भाई तलवार वरवार जो लेने में चले गए थे, और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह करी थी हमने सीट्स वगैरह के लिए, तो उसमें चले गए थे मेरे सारे एमरेट। एक दो तीन, देख पहुंच गया मैं आ गया हूँ, देख तेरे से। बे मैं आ गया हूँ, नहीं इतनी अबे तो फिर सर्वर इश्यू है भाई मेरे में, मैं आगे दिख रहा हूँ, मैं आगे दिख रहा हूँ। मैं आगे दिख रहा हूँ, थोड़ा सा ही आगे बस। और पता नहीं यार हमारे सर्वर में क्या दिक्कत हो रही है कि हमारा सर्वर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। वैसे ये अलग बात है कि हमारा फ्री सर्वर है, अगर हम पैसे देते तो ऐसे नहीं करता। और उसके बाद बस हम ऐसे ही घूम रहे थे, फिर हमने सील्ड बनाई थी, और सील्ड हमने कस्टम सील्ड बनाई थी जिसके पास हमने कुछ पैटर्न वगैरह लगाए थे जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, पर मुझे ये नहीं पता किस चीज़ के पैटर्न है। और हमने बहुत सारे माइनिंग करी थी, और फिर हम आखिरकार पहुंच गए थे न्यू फ्रेज पे, जो कि हमें नहीं पता था कौन सा वाला फ्रेज होने वाला है। क्या मैं गिर रहा हूँ अच्छा पानी गिरवा में। तो हाँ अबे मैं वो मीम देख रहा था, उसकी कुछ ज़्यादा आवाज़ थी, तब क्या करना मुझे। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, मैं पानी में खेलता हूँ, आ जाओ बोलो। और यहाँ पे मैं मीम देखने लगा था, और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे पुकार रहा है और मेरा नाम देखे, और जब मैं गेम के अंदर आया तो मुझे पता लगा इस नीचे गिरा पड़ा था, और फिर मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद फिर हमने बस माइनिंग करी थी, क्योंकि हमें भाई पहुंचना था एंड पोर्टल, मतलब एंड पोर्टल नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंचना था, ताकि हम एंड सिटी में जा सके और एंडर ड्रैगन को मार सके। और एंडर ड्रैगन को मारने से पहले कुछ एंडरमैन हमारे वर्ल्ड में आ चुके थे हमें मारने पर, यार हमारी किस्मत काफी ज्यादा सही थी कि बाहर बारिश हो रही थी और वो इससे भाई डैमेज ले रहे थे, और अंदर भाई विष और मैं उन्हें मार ही रहे थे, तो इसलिए भाई बहुत ही ज्यादा हमें आसानी हुई थी उन्हें मारने के लिए। नहीं क्या फिर भी मैंने मैंने मारा है, दे मेरा एरो लगा है, मेरा ट्राइडेंट लगाया उसने, मेरा एरो लगा है, मेरा ट्राइडेंट लगाया है भाई, देख मुझे मेरे रिकॉर्डिंग में बिल्कुल मेरा एरो लगा है, एकदम मरा है मेरे रिकॉर्डिंग में, मेरा ट्राइडेंट लगाया तब मरा है। हां चल मान लीजिए, चल मैं तेरे को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं भेजूं, मैं अपनी वीडियो में रखूंगा चल इस पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सर्वर की दोबारा सस्ते नशे स्टार्ट हो गए थे, पर यार बहुत अच्छी बात ये थी कि हमें भाई एंड पोर्टल मिल चुका था, मतलब अब हम जा सकते थे एंडर ड्रैगन को मारने, और एंडर ड्रैगन को मारना मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला था इसमें। तो अभी मैं अपने घोड़े का नाम रख रहा हूँ बादल, बादल मैं अपने घोड़े का नाम हीरा रखूंगा, हीरा। आ जा तो नेम टैग इधर है, मुझसे ले लियो ना। और यहाँ पर हमने अपने घोड़े के नाम भी रख दिए थे, मैंने अपने घोड़े का नाम रखा था बादल, और जैक ने अपने घोड़े का नाम रखा था हीरा लाल, और भाई विश ने तो कुछ नाम नहीं रखा यार, विश के लिए कोई नाम बताओ अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो। वैसे यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर यार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यार मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए, पर यार ये बन नहीं रही और इतनी ही बन पाई मुझसे, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और बस फिर हम एंड में चले गए थे एंड ड्रैगन को मारने, और बस अब तुम यहाँ पे फाइट का मजा लो, मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ। गया एरो, निशाने बढ़िया हो गए, कहाँ है, कहाँ है, अच्छा उधर एक तो रहना चाहिए अभी। अब इतना सारा टीएनटी के लिए बोलता, गनपाउडर टीएनटी दिला है तो क्या करेंगे, टीएनटी का प्रो प्लेयर है भाई वो वाला, रह रहा है एक से। अबे और भी दे रहा है, चलो तो उसे ही फोड़ते हैं। मैं ला कर लाया था कि मल्टी शॉट, पता नहीं मल्टी शॉट चली गई है, हो गया हो गया हो गया, मेरा लगा तेरा लगा, तेरा 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 लगा। मैं बिल्कुल आधी आधी हेल्थ से बच के आ रहा हूँ, मौत को छू के टक से वापिस। ओ भाई 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 बचा लो बचा लो बचा लो, ओ भाई क्या बचाऊं भाई, इसने मुझे इतनी दूर फेंका ना, मुझे नीचे ग्राउंड नहीं दिखा, ओ भाई क्या ही सीन है।
और भाई जब इसने मुझे ऊपर फेंका ना, तो भाई मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगा, क्योंकि भाई सर्वर ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा लैग कर जाता है जब हम फाइट वाइट वगैरह करते हैं। पर यार फाइनली भाई मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही सही थी कि सर्वर आसानी से काम कर गया, क्योंकि मैं वैसे तो कर लेता हूँ अगर मैं नॉर्मल खेलता हूँ, पर यार सर्वर में थोड़ा लैग कर जाता है, सर्वर थोड़ा दिक्कत कर जाता है। और यहाँ पे भाई हमने फाइनली इसे मार दिया, तो यहाँ पे हमने बस एक्सी वगैरह लूटी। अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट था भाई वेदर को हराना, और वेदर के लिए हमें भाई जाना पड़ता है नेदर में, और नेदर में फिर हमने नेदर पोर्टल बना दिया था। और बस फिर हम कुछ दिन बस नेदर में भटक रखे थे, और यहाँ पे हमारी 85 डे हो चुके थे कंप्लीट, मतलब बस और बस 15 दिन और हम सर्वाइव कर देंगे 100 डे। और सामने मुझे बेस्टियन मिल गई थी, तो हमने सोचा कि बेस्टियन में रेड करते हैं। तो फिर मैं, जैक और विश भाई कूद गए नीचे, भाई देखते हैं इसमें, देखे किसमें कितना दम है। और यहाँ पे एक एडवांसमेंट भी खुल गई थी वाली। आगे चलने के बाद हमें एक दो चेस्ट मिल गई थी, जिसके अंदर हमें कुछ ज्यादा अच्छा सामान मिला नहीं, हम उम्मीद तो नेदरराइट के लिए आए थे। नहीं 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 होती हेल्थ। तुम कहाँ गए? वे हम जहाँ हैं, मैं मरने वाला हूँ, मेरी आधी हेल्थ है। और बस उस पिगलिन से पिटने के बाद भाई मैं इन तीनों के पास आ गया था, क्योंकि भाई मैं अकेला नहीं खेलूंगा अब, क्योंकि भाई मैं अकेला खेल रहा था जब जब मैं पिटा था। तो मैंने सोचा भाई मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर मैं पिटूंगा तो बचा तो लोगी कम से कम। और यहाँ पे हमें सोल सैंड मिली थी, मतलब मैं इतनी दूर इसके लिए आया था, मुझे लगा था भाई नेदरराइट के 3-4 ब्लॉक मिल जाएंगे, मतलब ब्लॉक नहीं लिस्ट इंगेट तो मिल जाते भाई, यहाँ गोल्ड के ब्लॉक मिल गए थे। तो हमने सोचा चलो गोल्ड की ठीक है। और यहाँ पे हमें एक दूसरी वेशन मिल गई थी, ये दूसरी वाली वेशन है, मुझे मार देंगे ये, ऐसी मार देंगे, देख अपने पीछे देख, देख कैसा हाथ लगाया है मैं। गया चलो चुछ 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 चुछ। तू कहाँ है? बिठ रहा हूँ। बिठ रहा है? पिट रहा है? पिट रहा है साले, पिट रहा कह रहा है तेरे तो ले ले। गया मैं ये सारे एक तरफ से हाथ चले, बस दोनों तरफ से हाथ चले। मैंने यहाँ पे 4 मारे पिछले, मेरे 5 है, मेरा नेट भी दिक्कत दे रहा है यार, पता नहीं क्या चीज है। और यहाँ पे फाइनली हम दूसरी वेशन में आ गए थे, तो मुझे यहाँ पे गोल्ड के कुछ ब्लॉक मिल गए थे, तो मैंने उन्हें भी चुरा लिया, भाई अगर बीगन वगैरह बनाना पड़ जाए तो उसके भी काम आ जाएगा। तो भाई मैं नीचे की तरफ माइनिंग करने लगा, और यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ब्लॉक मिल गए थे, मैं यहाँ से ऊपर आ रहा था तो मुझे फिर एक ब्लॉक मिल गया था। और मुझे नहीं पता ये भाई पिगलिंस ऐसे क्यों छुपाते हैं ये, पर हाँ यार ब्लॉक काफी ज्यादा सही मिल गई थी हमें। और बस फिर हम आगे की तरफ आ गए थे, हमें एक फोर्टेस मिल गई थी, और फोर्टेस में हमें मिल गए थे विदर, और हमने सोचा कि विदर को मारते हैं, विदर हेड लेते हैं। पर यार इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी यार, मतलब ऐसे ऐसे अगर हमें इतनी आसानी से कुछ चीज़ मिल जाएंगी तो ये माइनक्राफ्ट किस बात का है ये। नीचे को, अरे नहीं 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 भाई नहीं, नीचे मचा नीचे मचा नीचे मचा, ओ मेरी हेल्थ, अरे यार ये मुझे क्यों मार रहा, मुझे क्यों, मेरे को एक विदर हेड है मेरे पास। तेरे पास एक विदर हेड कहाँ से आया? और यहाँ पर मेरे पीछे दो विदर स्केलेटन पड़ गए थे, तो मुझे लगा यार उन्हें भी मौत के घाट उतार ही देते हैं यार, कब तक इनसे ऐसे बचाएंगे। और जैसे ही मैं इन्हें मार रहा था यार विश उधर से आ रहा था, और वही वो विदर हेड उसने उठा लिया, मतलब भाई एक विदर हेड तो मुझे चाहिए था यार। हाँ भाई मेरे पे दो हेड आ गए, एक हेड यहाँ बस वाले पे आया था, कुछ ज्यादा नहीं आ रही तुझमें। और पीछे भी पीछे ओए विदर हेड विदर हेड विदर हेड दो है भाई, दो दो और तीन फिर से यार ये ले गया। अबे नहीं मेरे पास है, मेरे पास है, ले 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 ले। हाँ तीन विदर हेड भाई, एक दो भी नहीं, तीन सीधा। भाई और भी और विदर और विदर और विदर और विदर कहेंगे कैसे हम। इसने इसने फेंका भाई विदर हेड, इसने फेंका, इसने भी दिया, रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ फिर ठीक है ठीक है, बस हो तो गए हमारे पास, चल चल रहे हैं। और हमारी किस्मत भाई इतना ज्यादा साथ दे रही थी ना हमारा, मतलब भाई हमने 10 विदर मारे, तो उस 10 विदर से कम 400-500 विदर हेड मिल गए थे, मतलब अजीब ही हो रहा था भाई। और बस फिर हम एंड में आ गए थे, ताकि हम यहाँ पे उसे विदर को जल्दी से मार सके, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, और मैं नहीं चाहता कि यार इससे भी ज्यादा लंबी हो गई। तो हमने सोचा सबसे आसान तरीका है भाई से वहां जाके मार दो, फिर हमने बस इसे वहां लेके गया। और यहाँ पे भी कह रहा था 2 मिनट रुक जाओ कि मुझे भी रिकॉर्ड करना है, तो मैंने कहा ठीक है अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, यहाँ पे मैंने उसे स्पॉन कर दिया था। और बस फिर हमने फटाफट से उसे मार दिया था। मारो अबे मेरी तलवार छूट गई, तलवार निकल गई मेरी, अरे विशाल भाई तलवार फेंकना मेरी यार, इसे विशाल दे दे, विशाल दे दे तलवार दे दे। विशाल बट बीच में चढ़ रहा है, फिर नुकेगा भाई तलवार लग गई तेरी। चलो मिल गया विशाल, खत्म। हाँ
और बस फाइनली हमने भाई उसे हरा दिया था विदर को, और ये हमारा 99 डे चल रहा था, मतलब अगले सुबह को हमारा पूरा 100 डे हो जाएंगे। और उससे पहले हमें एक बीकन जरूर बनाना है, और फिर मैंने यहाँ पे बीकन बना दिया था और विष ने भाई ये आयरन के ब्लॉक वहाँ पे लगा दिए थे, और फिर हमने अपने बीकन को एक्टिवेट कर दिया था, और ये भाई हमारा पूरा बीकन हो चुका था, और अगले सुबह को हमारे 100 डे हो जाएंगे। तो और फिर हम जाके जल्दी से सो गए थे और हमारे 100 डे पूरे हो चुके हैं। और बस यार गाइस देखो आज की वीडियो के इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो के भाई सजेशन देना मत भूलना प्लीज, बताओ हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी उसमें बनाएं, और तब तक के लिए गुड बाय बाय।